नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं राजकुमार सामान्य विज्ञान विषय के साथ। दोस्तों, यूपीपीसीएस की परीक्षा निर्धारित हो चुकी है और इस परीक्षा के लिए संस्थान में मिस्टर आलोक सर और मिस्टर रवि सर के द्वारा बैचेस बहुत ही शानदार तरीके से रन कर रहे हैं और इसी क्रम में एक पीसीएस का, पीसीएस प्री का मेंस का और पीसीएस प्री का एक नया बैच भी आ रहा है। तो एक अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छी संस्था ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका सपना है वास्तव में अधिकारी बनने का, किसी को जीवन भर सर न बोल करके उससे हमेशा सर शब्द सुनने का, तो दोस्तों आप लोग उठिए, पढ़िए, उसके बाद ही आपका यह सपना पूरा हो पाएगा। आपके सपने को पूरा करने के लिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पीसीएस के बैच, पीसीएस प्री का मेंस और पीसीएस प्री का बैच प्रारंभ कर चुका है। इसी क्रम में हमारा एक नया बैच भी प्रारंभ होने वाला है। अगर वास्तव में आपको पीसीएस बनना है, अधिकारी बनना है, तो आपको निश्चित रूप से हमारे डेमो क्लासेस को देखने चाहिए। टारगेट विद आलोक .in वेबसाइट पर आप क्वेरी करके क्लासेस के डेमो वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको हमारे इन दिए गए नंबरों पर यूपीपीसीएस प्री के लिए आपको 9197050960 और यूपीपीसीएस प्री कम मेंस, ठीक है, अगर आपको यूपीपीसीएस प्री कम मेंस के लिए बैच ज्वाइन करना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर 9918000454, जिस भी क्लास में आपको ज्वाइन होना है, आप इन पर व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करने के बाद आपको संस्थान में इनरोलमेंट या एडमिशन संबंधित सारी जानकारियां बहुत आसानी के साथ प्राप्त हो जाएंगी। तो समय कभी बहुत नहीं होता है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। हम सबका सपना होता है अधिकारी बनने का, उस सपने को पूरा करने के लिए एक सही दिशा में तैयारी होनी आवश्यक है, सही संस्थान में तैयारी होनी आवश्यक है और सही लोगों का मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी होता है। तो इन सब मानकों को पूरा करने वाला भारत का एकमात्र ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक आपके लिए प्री का मेंस और प्री का बैचेस लेके आया है। और दोस्तों, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, तो एक बार क्वेरी जरूर करें। आज हम सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन और ग्रंथि यह परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और हम सोचते हैं कि हार्मोन के नाम बहुत टफ होते, जल्दी याद नहीं होते हैं, तो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसको पढ़ाऊंगा और इतने आसान शब्द में पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आइए हम पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्रंथि को शुरू करते हैं। देखते हैं यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से इनको आसानी से हम कर ले जाएं। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमें शुरू करना है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले हम जानेंगे इसके नामों के विषय में, इसे हम कहते क्या हैं। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में बना हुआ है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे मास्टर ग्लैंड हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। और यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में हाव भाव, स्वास्थ्य, व्यवहार, लैंगिक एवं शारीरिक वृद्धि
इन सबको नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, और इन सबको नियंत्रित करने के साथ साथ यह ऐसी ग्रंथि है जो अन्य ग्लैंड्स के सिक्रेशन को भी, यानी और ग्रंथियों के हार्मोन सिक्रेशन को भी ये कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जानते रहिए आप लोग। अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं पीयूष ग्रंथि, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी स्थिति कहाँ होती है, यानी ये स्थित कहाँ होता है, कहाँ होती है, किस जगह पर होती है। तो अगर पीयूष ग्रंथि के स्थिति की बात की जाए, अगर पीयूष ग्रंथि के स्थिति की बात की जाए तो क्वेश्चंस पहला बनता हमारे मस्तिष्क में होती है। देखिए, इसके बारे में पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का ये अग्रभाग है, इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क, और ये क्या है, हमारा मध्य मस्तिष्क। तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क, और ये है मध्य मस्तिष्क, और ये हमारा पश्च मस्तिष्क है, इसको कहते हैं हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क है, ठीक। अब देखिए, अगर मस्तिष्क में लगभग जो है 99% भाग क्या होता है, सेरेब्रम होता है, ये होता है सेरेब्रम, 99% भाग होता है सेरेब्रम। बचा हुआ 1% दोस्तों भाग होता है डाई एंसिफेलॉन, और डाई एंसिफेलॉन में ऊपर की ओर क्या होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और इसके नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ठीक, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहां इसके ऊपर होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। चलिए, सो फ्रेंड्स, स्थिति कहां होती है, यह मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क के डाई एंसिफेलॉन में, और डाई एंसिफेलॉन में हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे मटर के दाने के समान स्थित ग्रंथि है। अब आखिर देखिए, यह मस्तिष्क वाली बात हो गई, लेकिन मस्तिष्क के पहले यह हमारा सर है, इसको हम कहते हैं स्कल, इस हमारे कपाल में, इस स्कल में देखिए, जो ये भौं होती है, इसके आईब्रो के ऊपर वाला भाग क्या होता है, कपाल कहलाता है। तो इस कपाल यानी स्कल के ऊपर वाला जो भाग है, इस भाग में 8 हड्डियां होती हैं, इस भाग में 8 हड्डियां होती हैं, इन्हीं 8 हड्डियों में एक हड्डी है स्फेनॉइड, ठीक, 8 हड्डियों में एक हड्डी होती है स्फेनॉइड, और इसी स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढा होता है सेला टर्सिका, ठीक। अगर हम देखिए, हम बात कर रहे हैं इसकी स्थिति की, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारे कपाल में 8 हड्डियों में एक हड्डी होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्फेनॉइड, ठीक। तो कह सकते हैं कि कपाल में, कपाल की स्फेनॉइड, स्फेनॉइड हड्डी के, कपाल की स्फेनॉइड हड्डी के ठीक हड्डी के सेला टर्सिका या इसको सेल टर्सिका भी बोलते हैं, ठीक, गड्ढे में मटर के दाने के समान, तो मटर के दाने के, देखिए इसका जो आकार होता है तो मटर के दाने के समान होता है, या फिर कहते हैं कि मक्के के दाने के समान होता है, ठीक। तो यह इसकी अवस्थिति हो गई, तो कपाल की स्फेनॉइड हड्डी के सेल टर्सिका गड्ढे में मटर या मक्के के दाने के समान या ग्रंथि होती है, और इस बात का ध्यान देना, पहले क्या होगा हमारा मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के ठीक अग्र मस्तिष्क में, कहां पर, अग्र मस्तिष्क में, और अग्र मस्तिष्क के डाई एंसिफेलॉन में, डाई एंसिफेलॉन में, डाई एंसिफेलॉन में हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे इसकी अवस्थिति होती है। तो यह तो रही इसके स्थिति की बात, यह होती कहां पर है,
ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है, तो हमने इसके स्थिति की बात कर ली है। अब यहां से बनने वाले कुछ और पॉइंट पे हमको दोस्तों चर्चा करनी है। देखिए दरअसल इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए वैसे पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी होती है, लेकिन अभी तक परीक्षाओं में पीनियल से क्वेश्चन नहीं आया है। जब भी प्रश्न आया हुआ है प्रश्न यहीं से आया है। तो अगर बात की जाए कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो पहला पॉइंट यहां क्या बनता है, पहला पॉइंट बनता है कि सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की। यह पॉइंट आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक। सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगर हम बात करें इसके वजन की, कि इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। बट आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि फीमेल में जब गर्भधारण होता है, जब प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के समय या फीमेल में इसका वेट क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल में क्या होता है, फीमेल में प्रेगनेंसी में जो इसका आकार क्या होगा, बढ़ जाता है, आकार इसका बढ़ जाता है। क्लियर। तो इस पॉइंट को आप जानते रहिए। अब देखिए इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। अगर बात करें हम मास्टर ग्लैंड की, तो ये शरीर में बहुत सारे वर्क करती है। जैसे अगर बात की जाए तो पहला स्वास्थ्य, व्यवहार, या इसी में हम शामिल करते हैं स्वभाव को भी, और लैंगिक वृद्धि यानी सेक्सुअल ग्रोथ। शरीर में तीन वृद्धियां होती हैं, लैंगिक, मानसिक और शारीरिक वृद्धि। तो दो वृद्धियों पर, लैंगिक वृद्धि और एक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि। तो लैंगिक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि, लैंगिक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि, और इसके साथ साथ जो अन्य ग्रंथियां होती हैं उनके सिक्रेशन को, अन्य ग्रंथियों के सिक्रेशन, अन्य ग्रंथियों के स्राव को, सिक्रेशन को यह नियंत्रित करती है। देखिए आपका इतना इसका वर्क होता है, स्वास्थ्य को, व्यवहार को, स्वभाव को, लैंगिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और तथा अन्य जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, सभी ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन को भी यही कंट्रोल करती है। और इतने सारे वर्क के कारण इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड की संज्ञा हम देते हैं। और देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसका आकार कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए देखते हैं कैसा इसका आकार होता है, ठीक है ना। बस इस बात का ध्यान देना कि गर्भावस्था में इसका आकार बढ़ जाता है फीमेल के अंदर। अगर पिट्यूटरी की बात की जाए तो यहां देखिए सबसे पहले होता है हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है भाई, हाइपोथैलेमस होता है। तो पिट्यूटरी हमारी हाइपोथैलेमस के पास ही होती है, इसको हम यहां पर ऐसा समझेंगे दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस है, ये हो गया हाइपोथैलेमस। अब होता यहां पर ये है कि हाइपोथैलेमस के जस्ट पास ही कुछ इस प्रकार की होती है आपकी जो है पीयूष ग्रंथि, एंड इसमें लोब होता है, तीनों लोब से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा लोब कहां है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसमें जो लोब्स होते हैं, तो जो इसका पहला लोब है, जिसका पहला लोब है इसको हम कहते हैं अग्रपाली, ठीक, कहते हैं अग्रपाली
जिसे कहते हैं इंटीरियर लोब, ठीक, इंटीरियर लोब होता है। और इसके बाद जो नंबर सेकंड दोस्तों होता है वो होता है मध्यपाली। यहां देखिए मध्यपाली है, और मध्यपाली को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब मध्यपाली। इंटरमीडिएट लोब होता है यहां पर। और इसके बाद एक और इसका भाग है पश्चपाली, यहां होता है पश्चपाली, और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। पश्चपाली दोस्तों यहां पर होता है, और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। तो देखिए यहां पर तीन पालियां होती हैं। अब हम जानेंगे इन पालियों से निकलने वाले हार्मोन आखिर किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे पश्चपाली के बारे में, जो पीछे होती है। अगर पश्चपाली की बात करें तो देखो यहां से हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है, बस केवल दो हार्मोन का यहां पर संग्रह होता है। यहां पर दो हार्मोन का क्या होता है, संग्रह होता है। ये दो हार्मोन कौन से, पहला हार्मोन होता है वेसोप्रोसीन, तो जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इसके पहले वाली क्लास आप पढ़ेंगे तो आपको वेसोप्रोसीन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, यानी एडीएच या वेसोप्रोसीन। इसके बाद एक और निकलता है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में भी हमने पढ़ा दिया है इसके पहले वाली क्लास में। अगर आपको क्लास नहीं मिली है तो इसके प्रीवियस वाली क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं वादा करता हूं यहां पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यानी यहां से हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है, बस केवल स्टोर होता है एडीएच हार्मोन का और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। अगर हम बात करें मध्यपाली की, तो ध्यान देना दोस्तों जो मनुष्य में मध्यपाली लगभग अविकसित होती है, और मध्यपाली यानी कि इंटरमीडिएट लोब के बिल्कुल अविकसित यानी अनडेवलप्ड होने के कारण से यहां पे कोई हार्मोन का स्राव नहीं होता है। यहां पर नो हार्मोन, यहां से किसी भी हार्मोन का स्राव नहीं होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से संज्ञान में रखिएगा। अब बात आती है इसकी जो पहला मुख्य बात है, जो सबसे पहला भाग है इंटीरियर लोब की बात करेंगे, तो इंटीरियर लोब जो इसका होता है यही से सबसे अधिक हार्मोन निकलते हैं, और इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इंटीरियर लोब से निकलने वाला जो पहला हार्मोन है वो है एसटीएच हार्मोन। इसे हम कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसके इंटीरियर लोब का जो पहला हार्मोन दोस्तों क्या है, वो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है। और इसके बाद जो दूसरा इसका हार्मोन है दोस्तों, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं टीएसएच हार्मोन, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और नंबर जो थर्ड पे है, नंबर तीसरा जो हार्मोन है दोस्तों यहां देखिए वह होता है एसीटीएच। क्या होता है, ACTH ऐसा हार्मोन है जो कार्टिसोल के सेक्रेशन को नियंत्रित करता है। इसको हम कहते हैं एडेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको कहते हैं एडेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, या ACTH ऐसा हार्मोन जो कार्टिसोल के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। और अगर आगे बात करें तो आगे नंबर फोर पे कौन सा हार्मोन दोस्तों होगा, नंबर फोर पे आपका होता है जीटीएच हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, ये होता है जीटीएच हार्मोन। और नंबर फाइव की अगर बात करें तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, नंबर फाइव जो इसको दोस्तों हार्मोन होता है वो होता है एलटीएच हार्मोन। क्या होता है एलटीएच, इसको हम प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं, ठीक है, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन यानी कि एलटीएच हार्मोन, ठीक है। एलटीएच को हम क्या कहते हैं, एलटीएच को हम प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, या दूध का निर्माण करवाता है, इसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। और यदि इसके बाद बात करें नंबर छह, तो एमएसएच होता है, एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एमएसएच। तो यहां से कुल मुख्य प्रकार से छह हार्मोन निकलते हैं, पहला है एसटीएच हार्मोन, और उसके बाद दोस्तों टीएसएच हार्मोन, पहला सोमैटोट्रॉपिक, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एडनो जो एसीटीएच होता है, और एसीटीएच के बाद जीटीएच होता है गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन,
उसके बाद LTH, ठीक है, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, उसके बाद MSH, मेलानोसाइट ट्रॉपिक हार्मोन। तो यहां से इतने हार्मोन निकलते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे हार्मोन्स के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष ग्रंथि को हम कहते हैं वृद्धि और विकास करने वाली ग्रंथि कहते हैं, यह बात भी आप लोग अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। और यदि हम बात करें इन सबसे निकलने वाले हार्मोन की, तो आइए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते देखते हैं कि यहां से कौन कौन से हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हार्मोन हम शुरू करने वाले हैं उसे हम कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक, STH, या इसको हम कहते हैं GH। GH का मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक। क्वेश्चंस बन चुका है कि ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं, तो यही होता है ग्रोथ हार्मोन, या इसी को बोलते हैं STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। देखिए अगर ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे शरीर में कुल तीन प्रकार की वृद्धियां होती हैं, शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, ठीक है दोस्तों, और क्या होती है, लैंगिक वृद्धि होती है। शरीर में तीन प्रकार की ग्रोथ होती है, एक होती है जो हमारे बॉडी की होती है, ठीक है ना, और एक होती है मेंटल जो होती है दोस्तों होती है, और एक होता है हमारी सेक्सुअल ग्रोथ होती है। तो शरीर में तीन वृद्धियां होती हैं, और इन तीन वृद्धियों में से यह किसको नियंत्रित करेगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस भाग का। तो दोस्तों इन तीनों वृद्धियों में से ये क्या करता है, ये शारीरिक वृद्धि को और खासकर जो हमारी हड्डियां होती हैं उन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो हम कह सकते हैं यह शारीरिक वृद्धि, विशेषकर किसकी वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि, और आप जानते रहिए कि हड्डियों की वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, तो करने वाला हार्मोन है। तो शारीरिक वृद्धि करने वाला क्या है, हार्मोन है, इस बात का ध्यान देना, इसको हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन, इसी को दोस्तों हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, इस बात को आप जानते रहिएगा। अब देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए ये वृद्धि हार्मोन है, तो जाहिर सी बात है कि STH के कम होने से भी प्रॉब्लम होगी और STH के अधिक होने से भी प्रॉब्लम होगी, यानी STH बढ़ेगा तो वृद्धि आवश्यकता से अधिक होगी, और STH अगर कम होगा तो वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। तो इसी बातों पर चर्चा आपको करनी है कि दोस्तों STH की अधिकता से या STH की कमी से क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि STH की कमी से क्या होगा, ठीक। तो STH की कमी, तो STH की कमी से क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हमारा यही होगा कि STH की कमी से क्या हो सकता है, ठीक। तो पहले हम बातें करेंगे बच्चे में, अगर कोई बच्चा है उस बच्चे में STS की कमी हो गई तो क्या हो सकता है, देखिए सो फ्रेंड, देखिए STS की कमी से बच्चे में होता है एटेलियोसिस, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, जिसको हम कहते हैं बौनापन। देखिए होता यह है कि अगर कोई बच्चा है तो बच्चे में शारीरिक वृद्धि होती रहती है, यानी उसकी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कम हो जाता है तो उसके बॉडी की ग्रोथ क्या होती, रुक जाती है। तो किसी बच्चे में इस हार्मोन की कमी से क्या होता है दोस्तों, इस हार्मोन कमी से होता है बौनापन, क्या होता है, इस हार्मोन की कमी से होता है बौनापन, जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं, और इस ड्वार्फिज्म बीमारी को हम एटेलियोसिस कहते हैं, एटेलियोसिस, ठीक। अब देखें जो बच्चा होता है उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं, मिगेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मिगेट्स कहते हैं, बच्चे को क्या बोलेंगे, मिगेट्स कहेंगे,
यानी उस बौने बच्चे को हम बोलेंगे मिगेट्स। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी कमी से बच्चों में क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है, जिसे एटेलियोसिस कहते हैं, और उस बच्चे को जो बच्चा बौना होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिगेट्स कहते हैं। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए, ये तो बच्चे की बात हो गई, अगर हम बात करें किसी वयस्क में, अगर किसी वयस्क में क्या हो कि यह जो है कम हो जाए, अगर किसी वयस्क की बात की जाए कि वयस्क में क्या हो सकता है, वयस्क में, तो वयस्क की बात करेंगे हम। देखिए, जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो हड्डियों का विकास एक निश्चित उम्र तक होता है, यानी वयस्क की बात करेंगे तो 18 वर्ष के बाद क्या होता है, अस्थियों का विकास नहीं हो पाता, अस्थियों का विकास रुक जाता है। ठीक है, तो 18 वर्ष के बाद ऐसा तो होगा नहीं कमी से, भाई जब वो व्यक्ति बड़ा हो गया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति छोटा हो जाएगा, छोटा तो वो होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ध्यान देना, वयस्क में जब ये हार्मोन कम होता है तो इस हार्मोन की कमी से वह व्यक्ति कम उम्र में ही उसकी उम्र क्या होती, बढ़ने लगती, यानी कम उम्र में ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइमन रोग, यानी व्यक्ति कम उम्र में ही वृद्ध हो जाता है, व्यक्ति क्या होता है, कम उम्र में ही वृद्ध हो जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिससे होने वाले रोग को हम कहते हैं साइमन डिजीज, इसी को हम कहते हैं साइमन रोग। इस बात को आप अच्छी तरह से याद करिएगा दोस्तों, कि जब किसी व्यक्ति को साइमन रोग होता है तो कम उम्र में क्या हो जाता है, वो वृद्ध हो जाता है। यह तो हो गया, यह तो हो गया सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की कमी से होने वाली समस्याएं। अब यदि हम बात करें कि सोमैटोट्रॉपिक यदि मान लीजिए बढ़ जाए किसी की बॉडी में, तो कहां से और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सोमैटोट्रॉपिक के बढ़ने से कौन कौन समस्याएं होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो हम देखेंगे कि इसकी अधिकता से क्या होता है, एसटीएस के बढ़ने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि एसटीएस के बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। चलिए, तो अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होता है तो एसटीएच के हाइपर सिक्रेशन से कौन सी प्रॉब्लम होती है, यहां अब तक हमने देखा कि इसके कम निकलने से क्या होता है, यहां पर हम देखने वाले हैं कि इसके हाइपर सिक्रेशन से क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो पहला पॉइंट हम कहां समझेंगे, बच्चों में समझेंगे कि चाइल्ड में क्या समस्या हो सकती है। तो अगर बच्चे की बात की जाए, बच्चे में तो देखिए हमने पढ़ा है या हम जानते हैं कि जो हड्डियों का विकास होता है या जो शारीरिक विकास होता है एक निश्चित उम्र तक होता है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में उनके शरीर का विकास होगा, यानी हड्डियों का विकास होगा, तो बच्चे में हड्डियों का विकास होगा, शरीर का विकास होगा, इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस बच्चे में शरीर क्या होगा, औसत से अधिक बढ़ जाएगा, यानी जो लंबाई होती है औसत से अधिक बढ़ जाती है, और जब लंबाई औसत से अधिक बढ़ जाएगी तो उससे एक रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे भीमकायिता, है ना, भीमकायिता कहते हैं, यानी शरीर का जो आकार है वो अनिश्चित रूप से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको भीमकायिता कहते हैं, या इसे हम कहते हैं गिगेंटिज्म, इसे ही हम गिगेंटिज्म भी कहते हैं। ध्यान देना आप लोग, इसको क्या कहते हैं, इसी को हम गिगेंटिज्म कहते हैं, इसी को हम भीमकायिता कहते हैं, ठीक, इसी को हम दानवाकार भी कहते हैं। ठीक, तो इसी को दानवाकार भी कहेंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि बच्चे में वृद्धि बिल्कुल सडनली बढ़ जाती है इसके हाइपर सिक्रेशन से। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी वयस्क में यदि अधिक निकल जाए तो क्या हो सकता है। यदि हम बात करें किसी वयस्क की, तो भाई अभी मैंने बात किया आपसे कि हड्डियों का विकास दोस्तों क्या होता है, एक निश्चित उम्र तक होता है, लेकिन देखिए अगर यह हार्मोन बढ़ जाता है तो वयस्क में क्या होता है, जो उंगलियां होती हैं हाथों की, पैरों की, ये अचानक बढ़ने लगती हैं, शरीर नहीं बढ़ता, लेकिन जो पैर होता है ये पैर काफी बड़ा हो जाता है, और हाथ ये बड़ा होकर के घुटने तक पहुंच जाता है, इसको अग्रकायिता कहते हैं,
यानी केवल हाथ और पैरों की लंबाई बढ़ती है, ये ठुड्डी बढ़ जाती है, ये कपाल बढ़ जाता है, जिससे चेहरा क्या होता है गोरिल्ला की तरह हो जाता है। ठीक है, तो इस बीमारी को हम अग्रकायिता कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि वयस्क में इसके बढ़ने से क्या होता है, वयस्क में जब बढ़ेगा तो चेहरा, अंगुलियां, चेहरा अंगुलियां और इसके अलावा जो चेहरा अंगुलियों की हड्डियां होती हैं कि हड्डियां बढ़ जाती, चेहरा और हड्डी की जो उंगलियां होती हैं, ये क्या होता है, चेहरा और उंगलियों की जो हड्डियां होती वो बढ़ जाती हैं, और इनके बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाती हैं, जिससे चेहरा क्या होता है, जिससे चेहरा गोरिल्ला की तरह हो जाता है। और दोस्तों जो हाथ होता है वो क्या होता है, अजानुबाहु, अजानुबाह का मतलब होता है ये हाथ इतना लंबा होता है कि वो घुटने तक पहुंच जाता है। इस बीमारी को दोस्तों हम कहते हैं अग्रकायिता, या इसको हम कहते हैं एक्रोमिगैली। ये होता है एक्रोमिगैली, एक्रोमिगैली कहते हैं, या इसको कहते हैं अग्रकायिता, और ध्यान देना इसी को हम कहते हैं, इसी से क्या होता है, इसी से निकलता है कुबर। ठीक है ना, बढ़ने से क्या होता है, कुबर निकलता है, ये भी आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। और हाथ पैर लंबे लंबे हो जाते हैं, और चेहरा क्या होता है, चेहरा गोरिल्ला की तरह जाता है। ध्यान देना भाई, जो चेहरा इसमें होता है वो चेहरा गोरिल्ला की तरह हो जाता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं एक्रोमिगैली। और ये कैसे होता है, ये होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के अधिकता से, हाइपर सिक्रेशन से एक एडल्ट के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए हम देखते हैं एसटीएच, जो टीएसएच हार्मोन क्या है, और टीएसएच हार्मोन में क्या विशेषता है, और कैसे क्वेश्चंस दोस्तों बन सकते हैं। इसके बाद देखिए टीएसएच हार्मोन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। टीएसएच, इसको हम कहते हैं थायराइड, ठीक है, थायराइड प्रेरक हार्मोन, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसको कहते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन। अब देखें यहां इसके शब्दों से आप समझ लीजिए, जो थायराइड होता है ये हमारे गले में ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, यहां से थायरोक्सिन निकलता है, यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, यहां से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये जो टीएसएच हार्मोन, इसका सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये क्या करता है, ये टीएसएच हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है, और जान लेना आप लोग, कि थायराइड ग्रंथि की वृद्धि का नियंत्रण, यानी थायराइड ग्रंथि की वृद्धि का नियंत्रण, तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और इसके साथ ही साथ थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन, इन दोनों को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है, यह होता है टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों बात करें तो अगला क्या है, अगला है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, यानी कि जिसको हम कहते हैं एसीटीएच हार्मोन, है ना, इसे कहते हैं एसीटीएच हार्मोन। तो एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, देखिए अगर हम बात करें दोस्तों एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है, जैसा कि लिखा गया है एड्रिनो, तो एड्रिनो का मतलब क्या होता है, एड्रिनल, तो एड्रिनो का मतलब होता है, एड्रिनो का मतलब होता है एड्रिनल,
और एड्रेनल क्या हमारी एक ग्रंथि है जो कि हमारे गुर्दे के पास उपस्थित है। एड्रेनल एक ग्लैंड होती है। और यदि इसमें बात करें हम फिर क्या कॉर्टिको, देखिए दोस्तों जो हमारा एड्रेनल होता है, एड्रेनल ग्रंथि होती है, एड्रेनल ग्लैंड जो हमारी होती है, इसके दो भाग होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, बीच में होता है मेडुला और साइड में क्या होता है कॉर्टेक्स। तो सबसे आगे वाला भाग क्या है कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला भाग दोस्तों क्या होता है मेडुला होता है। अंदर वाला भाग क्या होता है मेडुला होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए जो कॉर्टेक्स है यहां से निकलता है सेक्स हार्मोन, यहीं से निकलता है कार्टिसोल, ये सब हार्मोन निकलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो एसीटीएच हार्मोन होता है वो एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग को कंट्रोल करता है, मेडुला वाले भाग को कंट्रोल नहीं करता। और एसीटीएच ऐसा हार्मोन है जो कार्टिसोल हार्मोन के सिक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी एसीटीएच हार्मोन कार्टिसोल हार्मोन के सिक्रेशन को नियंत्रित करता है। अब आपको दिमाग में जरूर चल रहा होगा कार्टिसोल कहाँ होता है, तो कार्टिसोल का जो स्राव होता है यह हमारे एड्रेनल से ही होता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, एसीटीएच हार्मोन केवल कॉर्टेक्स पर ही नियंत्रण करता है, मेडुला पर नहीं। तो ध्यान देना अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पीयूष ग्रंथि किस ग्रंथि पर आंशिक नियंत्रण रखती है, पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाती, देखिए क्योंकि यहां पीयूष ग्रंथि ने केवल कॉर्टेक्स को कंट्रोल किया और मेडुला को नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारे अधिवृक्क ग्रंथि पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखती, आंशिक नियंत्रण रखती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हार्मोन कौन सा है। दोस्तों अगला हमारा हार्मोन है जीटीएच हार्मोन, ठीक, जैसे कि हम जानते हैं अगला हार्मोन क्या है जीटीएच हार्मोन। अगर जीटीएच हार्मोन की बात की जाए तो इसको हम कहते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। अगर गोनेड की बात करें तो सबसे पहले इस शब्द को समझना पड़ेगा कि गोनेड का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए अगर बात करें गोनेड का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो ध्यान देखिए लिखा गोनेड, गोनेड का मतलब होता है जनद, क्या होता है जनद। और जनद के दो अंग हमारे अंदर होते हैं, एक होता है वृषण और एक होता है अंडाशय। अगर बात करें वृषण की यानी कि टेस्टिस, और टेस्टिस किसका ऑर्गेनल ऑर्गेन है, टेस्टिस मेल ऑर्गेन दोस्तों है, और ओवरी किसका होता है, ये अंडाशय मतलब ओवरी, ये ओवरी फीमेल का ऑर्गेन होता है। तो टेस्टिस मेल का ऑर्गेन है और ओवरी फीमेल का ऑर्गेन है, इसका मतलब गोनेड होता है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, यानी जनद को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो जीटीएच हार्मोन होता है। यह हमारी जनन क्रियाओं को प्रेरित करता है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। अब देखिए अगर बात करें इसके भागों की, इसके कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसके कितने भाग दोस्तों होते हैं, तो ध्यान देना इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, पहला हार्मोन निकलता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। यहां जो पहला हार्मोन निकलता है वो निकलता है एफ एस एच, जिसको हम कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दोस्तों एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या होता है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक क्या होता है, एक होता है फॉलिकल हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए फॉलिकल को हम क्या कहते हैं, पुटिका कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि यह पुटिका प्रेरक हार्मोन है, पुटिका प्रेरक हार्मोन है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है मेल और फीमेल दोनों में। अगर हम बात करें फीमेल में इसका क्या वर्क है, तो देखिए फीमेल में दोस्तों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, होता यह है कि जो फीमेल होती है उसमें होता है ओवा होता है, अंडा होता है, जिसको हम कहते हैं ओवा। तो ओवा बनता कैसे, ओवा को निर्माण के लिए कौन प्रेरित करता है, यही फॉलिकल। ध्यान देना मेल में ओवा को और फीमेल में ओवा को, और मेल में किसको, मेल में स्पर्म को। तो फ्रेंड्स ध्यान देना आप लोग, क्या करता है
ये अंडाणु ओवम, जिसको हम ओवा भी कहते हैं, ओवा का निर्माण करता है। ठीक, ओवम का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके बाद इसका एक प्रमुख कार्य दोस्तों और होता है, वो क्या है, एस्ट्रोजन पर नियंत्रण। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, ध्यान देना आप लोग, ये क्या होता है, एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन दोस्तों है, और एस्ट्रोजन पर कंट्रोल कौन करता है, एस्ट्रोजन पर नियंत्रण करता है एफ एस हाथ एच हार्मोन। ठीक है, यानी कि एस्ट्रोजन पर नियंत्रण करता है एफ एस एच हार्मोन। तो दोस्तों ये हो गया फीमेल में। अगर हम बात करें मेल में, इसका मेल में क्या वर्क है, तो फीमेल में जैसे वर्क करता है वैसे मेल में भी करता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, तो ओवम को कौन डेवलप करता है, ओवम को निर्माण करने के लिए एफ एस एच हार्मोन ये प्रेरित करता है। ठीक है ना, और एस्ट्रोजन जो फीमेल का हार्मोन है, इसको कहते हैं महिला वृद्धि और विकास हार्मोन। ठीक है, महिलाओं में सभी लैंगिक वृद्धि को, शारीरिक वृद्धि को यही नियंत्रित करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन पर नियंत्रण किसका होता है, ये पुटिका प्रेरक हार्मोन का होता है। अगर हम बात करें मेल में, तो देखिए स्पर्म जो बनता है इसको हम कहते हैं शुक्राणु, या शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है मेल में। तो शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का निर्माण कौन करता है, तो स्पर्म का निर्माण करता है दोस्तों एफ एस एच हार्मोन। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो देखते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है। ठीक, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की यहां बात करेंगे हम लोग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो पहली बात तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, कभी भी अकेले कार्य नहीं करता। तो इसका पहला पॉइंट बनता है कि एस्ट्रोजन के साथ कार्य करता है, एस्ट्रोजन के साथ कार्य करता है। तो ये एस्ट्रोजन के साथ कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब ध्यान देना, जो अंडाशय ओवरी के अंदर जो ओवा होता है, उस ओवा को मुक्त करने के लिए यही प्रेरित करता है अंडाशय को। तो ध्यान देना, ओवरी को ओवा रिलीज करने के लिए, रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, क्या करता है, प्रेरित करता है। उसके बाद इसका एक कार्य और होता है, वो होता है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कौन करता है, क्वेश्चन बनता है। तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है ना, तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण भी करता है ल्यूटिनाइजिंग दोस्तों हार्मोन। इसके अलावा देखिए इसका प्रमुख कार्य होता है, देखिए जब अंडाणु जो होता है, जब अंडाणु फर्टाइल होता है, जब अंडाणु का निषेचन होता है फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म के द्वारा, जब स्पर्म के द्वारा फॉलोपियन ट्यूब में ये ओवा फर्टाइल होता है, ये करता क्या है, तो यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गर्भाशय को फर्टाइल एग ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है, ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, और दोस्तों इसके बाद देखिए इसका प्रमुख कार्य होता है, अगर बात करें मेल में, यही वो हार्मोन है जो टेस्टिस को डेवलप करता है, यानी विश्रणों का विकास करता है। तो टेस्टिस का विकास कौन करता है, तो ये ल्यूटिनाइजिंग दोस्तों हार्मोन ही करता है। और इसके अलावा देखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये एक नर जनन हार्मोन है। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन पर नियंत्रण करता है, कौन, यही एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दोस्तों इसके साथ एक और होता है फीमेल
एक होता है मादा हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन इन दोनों हार्मोनों पर नियंत्रण कौन करता है? ये करता है LH। ध्यान देना, यह मादा जनन हार्मोन है और ये क्या है, यह नर जनन हार्मोन है। तो इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित कौन करता है? वो LH करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं कौन सा हार्मोन है, आगे देखते हैं कौन सा हार्मोन है, इसका क्या वर्क होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी कड़ी में हमारा है LSH, ठीक है, इसको हम कहते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। देखिए इसको हम प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन होता है, इसका दो कार्य होता है, पहला होता है फीमेल में दुग्ध निर्माण, फीमेल में दुग्ध निर्माण का कार्य कौन करता है? देखो दोस्तों क्या होता है, महिलाओं में यानी जो फीमेल होती हैं उनकी जो अस्तन ग्रंथियां होती उनमें दुग्ध का निर्माण होता है। तो फीमेल में जब दुग्ध बनता है तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस से, या उसमें अन्य बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो वो मिल्क फॉर्मेशन ऑफ मिल्क दूध का निर्माण कौन करता है, ये प्रोलैक्टिन करता है। एक काम और करता है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, दुग्ध स्राव, दुग्ध निर्माण और दुग्ध स्राव ये दोनों क्रियाओं को यही करता है। अदरवाइज ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी होता है, स्तन ग्रंथियों को फैला करके दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन ऐसा है, देखिए जैसे भी दावा आएगा प्रोलैक्टिन तो लैक्टोज आ रहा है, लैक्टिन मतलब लैक्टोज, लैक्टोज मतलब दूध, दूध में लैक्टोज से क्या होता है, मीठापन होता है। तो दोस्तों दूध का निर्माण कौन करता है, ये प्रोलैक्टिन यानी कि ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन ही करता है। यहां से ये पॉइंट्स बन सकता है। यदि हम आगे बढ़े इसके बाद तो देखते हैं दोस्तों इसके बाद हमारा कौन सा हार्मोन है। देखिए इसके बाद हमारा होता है MSH हार्मोन, MSH हार्मोन इसको हम कहते हैं मिलेनोसाइट हार्मोन, मिलेनोसाइट हार्मोन। और अगर आपसे मैं बात करूं मिलेनोसाइट हार्मोन की करता क्या है, सबसे पहला दोस्तों उसका कार्य होता है मिलेनिन का निर्माण करना, है ना, मिलेनिन का निर्माण करना। और इसके बाद दोस्तों इसका कार्य एक और होता है, मिलेनिन का निर्माण करने के साथ साथ ये क्या करता है, मिलेनोसाइट को भी नियंत्रित करता है, ठीक है ना, मिलेनोसाइट पर नियंत्रण करता है, मिलेनो साइट को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अब यह किस प्रकार से मिलेनोसाइट को दोस्तों नियंत्रित करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाली क्लास में मैंने मिलेनोसाइट के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, तो वहां आप अच्छे से देख सकते हो। यहां देखिए इसी हार्मोन से क्या होता है, जो मिलेनिन से क्या होता है, त्वचा का रंग होता है, त्वचा पर तिल और चकत्ते होते हैं, तो सब क्या होता है, सब इन्हीं से होता है। तो मिलेनिन का निर्माण कौन करता है, MSH करता है, और मिलेनोसाइट पर नियंत्रण MSH करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप देखें इसके बाद, देखिए इसके बाद हमने अब तक, ठीक, हमने अभी तक क्या किया है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले लगभग सभी हार्मोन को पढ़ लिया है, ठीक है ना।